रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर घमासान मचा है। शिक्षा मंत्री के इस बयान की चारों तरफ आलोचना हो रही है। वहीं इस विवादित बयान को लेकर आज आरा में बचपन दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। शहर के मध्या मोड़ पर आयोजित पुतला दहन में मौजूद बचपन दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांगने की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए अपमानजनक बताया। शिक्षा मंत्री का आप पुतला दहन किया है, क्या मामला है? मामला ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, हिंदुओं के महाकाव्य रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कह रहे हैं। उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है और हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है। हम लोगों ने आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया है। अगर वो जो विवादित बयान दिए हैं, हम लोगों के हिंदुओं के महाकाव्य पर जो विवादित बयान दिए हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ बिहार में पूरा बजरंग दल आंदोलन पर उतारू है। पूरे बिहार में पुतला दहन किया गया है। आज उसी तरह आरा में भी पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। और बिहार सरकार जो सोच रही है कि हिंदुओं को दबा दिया जाए, तो ये हिंदू दबने वाले नहीं है। पूरे भारत के हिंदू जागृत हो चुके हैं और हिंदुओं का ये महाकाव्य रामचरितमानस है 110 करोड़ हिंदुओं का, और 110 करोड़ उनको असम्मानजनक, उनको इग्लानी करने वाली बात है कि उनके महाकाव्य के बारे में कोई कुछ बक देता है तो अब बकने वाले को हमारे एक महापुरुष ने दे दिया है कि जो उनका जीभ काटेगा उसको 10 लाख का इनाम है। तो बजरंग दल तैयार है, अगर वो अपना बयान नहीं लेते हैं तो उनका जीभ काटने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी गतिविधि जो करेगा अब हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। क्योंकि जिस तरह से देश में किया जा रहा है, हमारे धर्म पर, हमारे महाकाव्य पर, हमारे देवी देवताओं पर अगर किसी ने कोई विवादित बयान दिया तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आरजेडी उनके समर्थन में उतर चुकी है। आरजेडी को लोग जानते हैं आरजेडी क्या है। आरजेडी हरे झंडे वाली है और उसके समर्थन से कुछ नहीं होने वाला है। 110 करोड़ हिंदू अगर जागृत हो गए तो आरजेडी को भी अपना घर देखना पड़ेगा। अब तो आप पुतला दहन भी कर दिए, आगे का निर्णय क्या? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारा संगठन जैसा आदेश करेगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन पूरे राष्ट्र में है और बजरंग दल उनके विरोध में है। बजरंग दल आगे इससे बड़ा आंदोलन करेगा। पर्चे बता दीजिए। चंदन ओझा, जिला शासन नियोजक, बजरंग दल भोजपुर।